हेलो एवरीवन, आज़ाद आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आप लोगों द्वारा बहुप्रतीक्षित ऑनलाइन बैच की एंट्री ओपन की जा रही है और ये एंट्री आपकी 20 फरवरी से 24 फरवरी तक ओपन रहेगी। उसके विषय में आज मैं एक समग्र जानकारी दूंगा, इसलिए इस पूरे वीडियो को अंत तक सुनिएगा ताकि आपको हमारे द्वारा चलाए जा रहे आज़ाद आईएएस एकेडमी द्वारा संचालित ऑनलाइन बैच के बारे में समग्र जानकारी मिल सके। ऑनलाइन बैच से जुड़ने के लिए कुछ नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, ये सभी नंबर्स पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको आज़ाद आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और मैं इस पूरे वीडियो में आपको ऑनलाइन बैच के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा और कुछ प्रमाण सहित कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात, आज़ाद आईएएस एकेडमी द्वारा 40 ऑनलाइन बैच, ठीक है, अभी बैच नंबर 40 चल रहे हैं, 40 बैचेस चल रहे हैं, जो आपको एंट्री मिलेगी बैच नंबर 42, 43, 44 में मिलेगी और ये बैच में ही आपको जोड़ा जाएगा, आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम और यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, झारखंड पीसीएस, जितने भी हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस हैं, इन सभी स्टेट पीसीएस को बड़े ही बेहतरीन तरीके से पूरी समग्रता के साथ आपके साथ जोड़ करके हम पढ़ेंगे। अब देखिए, ऑनलाइन बैच का प्रोसेस क्या है, क्यों बनाया गया, क्या उद्देश्य रहा, इसके बारे में मैं यहाँ पर कुछ बातें बता दूँ। ऑनलाइन बैच उन लोगों के लिए है जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर जो घर से बाहर नहीं आ सकते, घर में ही रह करके एक बेहतरीन और समग्र तैयारी करना चाहते हैं, या फिर उनके लिए जो कई बार कोचिंगें ज्वाइन कर चुके हैं और अभी तक उनको समग्रता के साथ विषय वस्तु पढ़ाई नहीं गई है, तो एक गुणवत्ता युक्त सामग्री हम आपको घर बैठे पहुंचा सकें, इसके लिए आज़ाद आईएएस एकेडमी के द्वारा ऑनलाइन बैच संचालित किए जा रहे हैं और बड़ी बेहतरीन तरीके से 40 बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। अभी जो एंट्री ओपन की जा रही है बैच नंबर 42, 43 और 44 को लेकर के है। अब देखिए, अभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया है 2019 का, ठीक है, जो आपका पेपर होना है उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है और 3 महीने का समय बचा हुआ है इस नोटिफिकेशन और एग्जाम की अवधि में, प्रीलिम्स एग्जाम की अवधि में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी बड़ा है और जो मेरा दृष्टिकोण और जो भी दृष्टिकोण जो सिलेक्ट होते हैं फाइनली, उन सबकी जो स्ट्रेटजी रहती है हमेशा से यही होता है कि जब आप प्रीलिम्स एग्जाम देने जाएं तब तक आपका पूरा सिलेबस ऑप्शनल सहित कंप्लीट होना चाहिए, है ना, तभी आप उस एग्ज़ाम को दें तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे और फाइनली आप सिलेक्ट होंगे और आपके आपको क्योंकि अंतिम जो लिस्ट आती है इंटरव्यू के बाद वही चयन है, है ना। महज फॉर्म निकल जाने से आप फॉर्म को भर देंगे तो एक भीड़ में ही शामिल रहेंगे। तो यहाँ पर 2019 का जो यूपीएससी का भी नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन के लिए कोई हमारे पास कॉल ना करे, उसके लिए बैच उपलब्ध नहीं है। जो बैचेज उपलब्ध हैं वो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2020 के लिए, है ना, यूपीएससी मेंस एग्जाम 2019 के लिए, जो मेंस का एग्जाम होगा उसके लिए बैच उपलब्ध है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि प्रीलिम्स 3 महीने में कोई नहीं करा सकता। हम वीडियो भेज भी देंगे कंप्लीट, आपकी सारी क्लासेस करवा भी देंगे, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिलेबस बड़ा है, ठीक है। बड़ी ईमानदारी से बड़े स्पष्ट तरीके से मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इस बात को बहुत गौर से समझिए कि बैच किन के लिए है। उनके लिए जिनका ग्रेजुएशन अभी हो रहा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन प्रारंभ किया, जिन्होंने 12th पास आउट कर लिया है और ग्रेजुएशन के दौर पर, उनके लिए भी कुछ सुनहरा मौका है, और जिन्होंने ग्रेजुएशन अभी किया वो बिल्कुल तुरंत ज्वाइन करें, बहुत ही आपको इसके जितना लेट करते जाएंगे उतना आप पीछे हटते चले जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही ग्रेजुएशन होता है और 21 साल की उम्र होती है एक कैरियर का दबाव बनना शुरू हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ या जो सही समय है आप 12th के बाद का जो समय है उसमें आप जुड़िए। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने 12th पास आउट किया है, परेशान ना हो, कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, उसका समग्र विश्लेषण आपको वहाँ पर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, A to Z पूर्ण समाधान हमारे द्वारा किया जाएगा, इतना स्पष्ट और सुव्यवस्थित सिलेबस को, कंप्लीट सिलेबस को हमारे द्वारा पढ़ाया गया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक कैसे कैसे पढ़ाए गए, कुछ वीडियोज भी आपको मैं अभी प्ले करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं आप लोगों को बता दूं, यूपीएससी का प्रीकम मेंस 2020 का, अभी का नहीं, 19 का नहीं, यूपीपीसीएस यूपीएससी का मेंस जो है 2019 और पीसीएस जो अभी यूपीपीसीएस का भी रिजल्ट नहीं आया प्री का, जून में उसका एग्जाम है तो अभी मेंस का एडमिशन लिया जा सकता है क्योंकि मेंस का टॉपिक हम करवा देंगे उसमें। मेंस में क्या टॉपिक है, प्रीकम मेंस क्या है और मेंस ओनली क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से उपलब्ध हैं, ये भी मैं बता दूंगा। बाकी यूपीपीसीएस 2019 और भी जो पीसीएस आपके हैं जो आयोजित होने हैं अगस्त के बाद,
ठीक है, वो सभी अभी उपलब्ध हैं। अभी बैच में यदि आप अभी इंट्री ले लेंगे तो बाद में फिर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना होगा। देखिए हमारी एक बहुत स्पष्ट पॉलिसी है कि हम किसी को भी भ्रमित नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपको हम ज़बरदस्ती बैच में, यदि नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, ये चीज़ क्लियर रखिएगा। इसलिए अभी यदि मौका दिया जा रहा है तो अभी तुरंत जुड़ जाइए, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए है क्या, हमने पूरे सिलेबस को बड़े साइंटिफिक तरीके से बांटा है, बड़े वैज्ञानिक तरीके से पूरे सिलेबस को बांटा है। जो आपका यूपीएससी एग्जाम हो गया, जो हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस हैं, इन सभी में तीन चरणों में एग्जाम होता है, प्री कम में, प्री फिर मेंस, और इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू का सेक्शन है। तो जो प्री और मेंस है इसमें कुछ सब्जेक्ट कॉमन है, जैसे कि हिस्ट्री कॉमन है, पॉलिटी कॉमन है, ज्योग्राफी कॉमन है, एनवायरनमेंट की विषय वस्तु कॉमन है, करंट अफेयर्स भी कॉमन रहती है दोनों में, लेकिन करंट अफेयर्स का नज़रिया अलग अलग होता है, मेंस व्यू पॉइंट से अलग और प्रीलिम्स व्यू पॉइंट से अलग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने कुछ पूरे सिलेबस को ऐसे बांटा है, प्री कम मेंस और मेंस ओनली। ठीक है, पीसीएस का प्री कम मेंस और मेंस ओनली। तो यहाँ पे प्री कम मेंस में आप देख रहे हैं हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, प्री कम मेंस दोनों में आता है, इन्वायरमेंट है, जनरल साइंस है, साइंस की विषय वस्तु वहाँ पे साइंस टेक आती है, लेकिन फिर भी अब जैसे कि वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा जानना होगा। जनरल साइंस का बायो का सेक्शन आपको पता होना चाहिए ताकि आप आगे जा करके उसका लिंक कर सके। तो जनरल साइंस की विषय वस्तु, सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब समय खत्म होने वाला है, करंट अफेयर्स का सेक्शन, ये पूरे सेक्शन आपके प्री कम मेंस के हैं। यदि पीसीएस की बात करूँ तो यहाँ पे स्टेट ओरिएंटेड नॉलेज और जुड़ जाती है, हर पीसीएस का अलग अलग जुड़ता है। एग्रीकल्चर का सेक्शन थोड़ा सा जुड़ता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है लेकिन ज्योग्राफी के साथ जोड़ करके हम पढ़ते हैं, यहाँ पे ज्योग्राफी के साथ साथ में एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी है, कृषि एवं प्रौद्योगिकी है, वो टॉपिक अलग है ना। तो अरन मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिलेबस को हमने ऐसे बांटा है, पहला एक सेक्शन एक बैच आपको मिलेगा प्री कम मेंस का। ठीक है, प्री कम मेंस में हिस्ट्री, हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये तीन सेक्शन आते हैं, इसी में नेशनल मूवमेंट भी सम्मिलित है, ये सेक्शन आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी से ही इंडियन और वर्ल्ड को दोनों को जोड़ करके पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लिंक करके। यहाँ पे फिर पॉलिटी का सेक्शन हो गया आपका, पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साथ में सोशल जस्टिस का टॉपिक जो है आपका मेंस ओनली का टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी है ना, इंडियन इकोनॉमी के बाद एनवायरनमेंट का टॉपिक, डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक मेंस में आता है, जनरल साइंस, जनरल साइंस में आपका फिजिक केमिस्ट्री बायो तीनों सेक्शन कराएंगे, सेंसस आपका कंप्लीट कराएंगे, सेंसस के साथ साथ नगरीकरण का विषय वस्तु, जनसंख्या और नगरीकरण, उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब देखो यहाँ पे हिस्ट्री ऐसा पढ़ेंगे कि मेंस में ना पढ़ना पड़े, यहाँ पर ज्योग्राफी ऐसा पढ़ेंगे कि मेंस में पढ़ना ना पड़े, पॉलिटी को ऐसा पढ़ेंगे ताकि मेंस में पढ़ना ना पड़े, यानी यहाँ पर ही इतना डिटेल से पढ़ लीजिए कि यहाँ पर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसको हम बोलते हैं प्री कम मेंस, टॉपिक को ऐसा पढ़ना है कि वो दोनों सेक्शन में हो जाए। और यहां पर मेंस ओनली में इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, भारतीय समाज की विषय वस्तु क्वेश्चन आते हैं मेंस ओनली में। अब देखो जितने भी पीसीएस हैं हिंदी, या चाहे आपका यूपीओ, एमपीओ, बीआरबी, अब आगे जाकर के रिटर्न में करने वाला है झारखंड हो, सारे पीसीएस जो हैं वो रिटर्न फॉर्म पे होना प्रारंभ हो रहे हैं। ठीक है, सब यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर भी हमने जितना भी सेक्शन है कॉमन करके चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। वैसे कुछ पीसीएस ऐसे हैं जैसे राजस्थान हो गया, तो वहाँ पर इनसे ही काम चल जा रहा है, सीसेट का सेक्शन अलग है, सीसेट के सेक्शन को भी हम सीसेट, चूंकि देखिए प्री में दो पेपर हैं, एक जीएस का पेपर है, एक सीसेट का पेपर है, सीसेट की वैल्यू नहीं है लेकिन वैल्यू है भी, 33% ही कुछ लोग नहीं ला पाते हैं, है ना, तो सीसेट भी कंप्लीट कराया जाएगा, सीसेट की विषय वस्तु भी होगी। तो यहाँ पर हमने जो है भारतीय समाज मेन्स ओनली वाले विषय में भारतीय समाज, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इथिक्स, पीसीएस में आपका हिंदी का एक पेपर आता है जिसमें लेटर प्लस ग्रामर दोनों सेक्शन, व्याकरण और लेटर दोनों आते हैं, ऐसे की विषय वस्तु, ये सारे सेक्शन इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मेंस ओनली में ये, और मेंस में एक वैकल्पिक विषय आपको लेना होता है, यूपी पीसीएस ने भी एक कर दिया है, यूपीएससी में एक था ही, है ना, एमपी ने तो हटा ही दिया है, ऑप्शनल है ही नहीं। तो यहाँ पर हमें वैकल्पिक विषय के अंतर्गत आपको इतिहास वैकल्पिक विषय मिल जाएगा जिसमें वर्ल्ड विश्व इतिहास के द्वारा क्लास प्रारंभ हो चुकी हैं, विश्व इतिहास की क्लासेज आप तक पहुंचाई जाएंगी। लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय प्रारंभ किया गया है, लोक प्रशासन यदि आप लेना चाहते हैं
लोक प्रशासन से भी आप पढ़ करके जुड़ सकते हैं, बहुत साइंटिफिक और बहुत वैज्ञानिक है। समाज कार्य वैकल्पिक विषय ये पढ़ा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमन कुमार जी, अमन कुमार श्रीवास्तव जी, वो पढ़ा रहे हैं इसको। तो समाज कार्य आप ये हमारे साथ तीन विषयों को लेकर के आप हमारे साथ सुव्यवस्थित तैयारी कर सकते हैं। तीन ऑप्शनल अभी उपलब्ध हैं, अभी तीन ही को लेकर के हम भी चल रहे हैं। जब ये कंप्लीट करा लेंगे तो फिर आगे हमारे सारे फिर नेक्स्ट ऑप्शनल हम सोचेंगे। तो इतिहास आप पढ़िए मेरे साथ, बहुत डिटेल से इतिहास मैं ही पढ़ाऊंगा, लोक प्रशासन राविंद्र सर पढ़ाएंगे और समाज कार्य ये पढ़ाया जाएगा अमन कुमार जी के द्वारा, जेएनयू स्टूडेंट हैं। तो ये जो है आपका ये कहीं ना कहीं पे ये आपके पास विषय वस्तु हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। ऑनलाइन बैच की एंट्री ओपन की जा रही है, समय अवधि आपकी 20 फरवरी से 24 फरवरी, इस अवधि के अंदर ही ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग बाद में फिर जल्दबाजी करते हैं, लेट होता है, हम जैसे ही कोई चीज़ आए उसको तुरंत ही यदि अब लेना है, समझ में आ रहा है तो तुरंत ही करना चाहिए। ठीक है, अब इस पूरे सिलेबस को हमने दो भागों में बांटा, प्री कम मेंस, मेंस ओनली। प्री कम मेंस हमने उस विषय को बनाया जो टॉपिक प्री और मेंस दोनों में आते हैं, जैसे हिस्ट्री प्री मेंस दोनों में आ रहा है, पॉलिटी प्री मेंस दोनों में आ रहा है, ज्योग्राफी प्री मेंस दोनों में आ रहा है, इकोनॉमी प्री मेंस दोनों में आ रहा है, इन्वायरमेंट, यानी इसको ऐसा पढ़ेंगे कि मेंस के लिए दोबारा ना पढ़ना पड़े, है ना। तो हमने एक बैच पूरा ये बनाया है, ठीक है, प्री कम मेंस का, बहुत डिटेल से बहुत व्यवस्थित तरीके से आप इसे पढ़ेंगे। दूसरा सेक्शन आपका है मेंस ओनली का, जिसमें इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, आईआर, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इथिक्स आ जाएगा, एसे का टॉपिक आ जाएगा और हिंदी ग्रामर, पीसीएस के लिए लेटर राइटिंग वगैरह ये सारा कुछ आएगा। तो आप जल्द से जल्द इन बैचेस में जुड़िए। जुड़ने के लिए नंबर यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे ये नंबर लिखे हुए हैं, कुछ नंबर मैं बता देता हूं। सबसे पहला नंबर ये एक नंबर है 9625288989, नंबर फिर से लिखिए 9625288989, 9625288989, ये नंबर है सौरभ कुमार जी का, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे सारी जानकारी मिलेगी। व्हाट्सअप नंबर भी है, ये कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, दोनों के माध्यम से जानकारी आपको मिल सकती है। दूसरा नंबर है 9115269789, दीपक जी का नंबर है, इनसे आप बात करेंगे, आपको डिटेल व्यवस्थित जानकारी देंगे। ठीक है, 9115269789। अगला नंबर है 7982705327, विश्वजीत जी का नंबर है, इस नंबर से आपको कोई भी किसी तरीके की वेबसाइट से यदि आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट में भी पेमेंट गेटवे और वेबसाइट में ही आपका पूरा सेक्शन है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। तो दूसरा है 7982705327, ठीक है, ये नंबर जीत जी का है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला है 9625192937, यातुल जी का नंबर है, यहाँ पर ये नंबर है, एक नंबर और है आपका 9654306778, ठीक है, ये सभी नंबर आपके अल्टरनेटिव नंबर्स हैं। यदि कोई नंबर बिजी जा रहा है, क्योंकि इस समय कॉल का दबाव ज़्यादा हो जाता है, तो आप दूसरे नंबर पर कर सकते हैं, यदि कॉल तब भी नहीं उठाई जा रही तो आप व्हाट्सअप जरूर कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सअप से आपको पूरा प्रॉस्पेक्टस भेज दिया जाएगा और पूरा तरीका बता दिया जाएगा कि कैसे आपको जुड़ना है। ठीक है, आजाद एस एकेडमी से निरंतरता के साथ लगभग 40 बैच बन चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बड़े ही ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो बड़े सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं और बहुत ही ईमानदारी से परिश्रम के साथ हमारे साथ पढ़ रहे हैं। और आपका कार्य है कि दिन प्रतिदिन आपको, देखिए मैं मेथड बताता हूँ कैसे होगा, हम यहाँ पे चाहें तो एक दिन में भी क्लास आपको भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस अब सारे उपलब्ध हैं। ये जो क्लासेस होती हैं आजादी इस एकेडमी के ऑफलाइन बैच की रिकॉर्डिंग होती है, पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए, ऑफलाइन बैच में जैसे चलता है वही सेम प्रोसेस ऑनलाइन बैच का है, यही क्लासेस रिकॉर्ड की जाती हैं, वही क्लासेस आप तक जाती हैं। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि कोई भी टॉपिक आपको खुद से ना पढ़ना पड़े, सारे विषय वस्तु हम खुद पढ़ा दें, सेल्फ स्टडी आप करिएगा, हम जब पूरा कंप्लीट पढ़ा दें, ठीक है। साथ में एक रेफरेंस बुक भी आपको बता दी जाती है, तो वहाँ पर पहले आपका वर्कशॉप सेशन होगा, जब आपका बैच प्रारंभ होगा तो पहले आपका वर्कशॉप होगा, वर्कशॉप वीडियो जरूर देखिए, उससे दिमाग ओपन होता है, चीज़ें पता चलती हैं, पढ़ना कैसे है, न्यूज़पेपर यदि आपको पढ़ना है तो उसे कैसे पढ़ना है, पूरा एक वैज्ञानिक तरीका, एक विस्तृत और सुव्यवस्थित नॉलेज आपको वहाँ पर वर्कशॉप सेशन में मिल जाता है। 8 से 9 वर्कशॉप सेशन होंगे आपके, पहली चीज़ तो ये 8 से 9 वर्कशॉप सेशन के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन निकल के आता है वो है आपका क्लासेस प्रारंभ होने का।
आपकी जो विषय वस्तु प्रारंभ की जाएगी, ये विषय वस्तु आपकी भारतीय भूगोल के साथ प्रारंभ की जाएगी, ठीक है। भारत का भूगोल, उसके साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक भी साथ में जुड़े होंगे। यदि कोई टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी को जोड़ करके पढ़ाया जा सकता है तो वैसे ही पढ़ाया गया है। बड़ा ही सिस्टमेटिक, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। टॉपिकों को बहुत डिटेल से, बहुत विस्तृत तरीके से लिया गया है। फिर आपका ज्योग्राफी आएगा, ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी आएगा, पॉलिटी के बाद फिर इतिहास। ऐसे क्रम से क्लासेस चलती रहेंगी, दिन प्रतिदिन के स्तर पर 4 से 6 घंटे की क्लास आपके पास आएगी, ठीक है। इसलिए आप लोग जो भी जुड़े, बहुत सिंसियर हो, गंभीर हो हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ईमानदारी से पूरी तैयारी करने के लिए तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत व्यवस्थित सारा कुछ बनाया जा रहा है आपके लिए, और भी जो इनोवेशंस हो सकते हैं वो लेकर के आ रहे हैं। क्लासेस हमें कुछ यदि लगती हैं तो आने वाले समय में अपडेट भी कर रहे हैं, जैसे अभी बहुत सारी क्लासेस अपडेट हो रही हैं पुराने बैचेस में, और आप लोगों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ए टू जेड सारी चीज़ें, जो भी मन में यदि भ्रम हो, कोई शंका हो, कोई दिक्कत हो, ये लग रहा हो कि मैं कैसे तैयारी करूं, कैसे शुरू करूं, तो ये आप ही के लिए है। आप इससे जुड़िए और बेहतरीन तैयारी करिए, किसी भी तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आप कंप्लीट कोर्स लीजिए, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि कंप्लीट लेंगे तो आपको, देखिए एग्ज़ाम तब देना है आपको, एक बात मेरी दिमाग में डाल लीजिए सभी के सभी लोग, एग्ज़ाम तब देने जाना है जब प्री देने से पहले मेंस, ऑप्शनल, प्री का मेंस सब की तैयारी हो चुकी हो, तब जाना एग्जाम देने। अब इसमें 2019 लग जाता है, 2020 लग जाता है, 2021 लग जाता है, ये आपके ऊपर है, आपके डेडिकेशन के ऊपर है, ठीक है। क्लास की कोई निश्चित टाइमिंग, एक तरीके से हमने 7 से 10 के टाइम पे आपके पास क्लासेज आ जाएंगी। आप अपना शेड्यूल तय कर लीजिए कि आप कितने समय फ्री रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी क्लास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके ऊपर स्वच्छंदता है, आप अपने अकॉर्डिंग क्लास कीजिए, हमारी तरफ से कोई हमें तो। और ये वीडियो आपके पास तब तक रहेंगी, ये क्लासेज आपके पास तब तक रहेंगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, दिमाग में बैठा लीजिए। ये संस्था आपके साथ तब तक बनी रहेगी जब तक आप फाइनली सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे, उंगली पकड़ के आपको ले चलेंगे, जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको, ठीक है, दिमाग में मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे ऑनलाइन बैच, जिनको भी बहुत समय से इंतजार था, प्रतीक्षा थी, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, हमारे ऑनलाइन बैच ओपन है, एंट्री ओपन है, आइए जुड़िए, आपका स्वागत है इन बैचेस में, और जुड़ करके तैयारी कीजिए। एक बार मैं आपको नंबर फिर से बता देता हूँ, पहला नंबर है 9625288989, ये सौरभ जी का नंबर है। दूसरा नंबर है 9115269789, ये नंबर दीपक जी का है। 7982705327, ये नंबर आपका विश्वजीत सिंह जी का है। अगला नंबर है 9625192937, ये आपका अतुल जी का नंबर है। और अगला नंबर है 9654306778, ये नंबर है आपका। तो आप में से जो भी हैं, जो जुड़े हैं, बढ़िया आराम से बेहतरीन तैयारी कीजिए हमारे साथ जुड़ करके, बड़े आराम से पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, बड़े आराम से हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके इत्मीनान से एग्ज़ाम देने जाएंगे, कोई दबाव नहीं होगा, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी में ये चीज़ें नहीं होती हैं, बड़े एग्ज़ाम होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार अपने ऑनलाइन बैचेस के कुछ वीडियोस दिखा दूँ। वैसे ओवरऑल आप यूट्यूब से जुड़े रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें आप तक पहुँचती रहती हैं। देखिए ये हमारे ऑनलाइन बैचेस के वीडियो हैं, आप देख सकते हैं, एक एक टॉपिक पर इतनी क्लासेज आएंगी, कोई भी टॉपिक आपका बचेगा नहीं, हर टॉपिक को डिटेल से पढ़ाया जाएगा, कोई भी ऐसी विषय वस्तु नहीं होगी जिसको हम हल्के से पढ़ाएं। ये देखिए रेगुलर लगातार मैं जो स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो हैं, दिन प्रतिदिन को भेजे जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या है। अब इनको यदि मैं स्क्रॉल करता रहूँगा तो हो सकता है कि मुझे 2 से 3 घंटे भी लग जाएं, इतने वीडियो हम भेजते हैं। आपके पास कम से कम ये मान के चलिए कि 2000 के आसपास वीडियो आएंगे पूरे 1 साल 1.5 साल के प्रोसेस में, ठीक है। यदि हमें लगेगा कि कोई क्लास अपडेट भी करनी है तो अपडेट भी करेंगे। इसके बाद सी साइट का बैच है, सी साइट के बैच में आप जुड़िएगा तो वहाँ पर मैथ है, रीजनिंग है, कम्प्रीहेंशन है, पूरा कंप्लीट सेक्शन वो कराया जाएगा। करंट अफेयर्स आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। करंट अफेयर्स में आपको एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको चीज़ें बता दी जाएंगी, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना कैसे, अपडेट कैसे करना है, और जब कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो साथ साथ उसका करंट भी आपको बताया जाता जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल से आपका इतिहास की विषय वस्तु, ज्योग्राफी की विषय वस्तु, पॉलिटी की विषय वस्तु, इकोनॉमी की विषय वस्तु, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस, सेंसस, करंट अफेयर्स, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, आईआर, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इथिक्स, हिंदी और ऐसे, ये विषय वस्तु कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। बस एक बार जुड़ जाना है, निस्फिक्र हो जाना है, बस
संस्था के माध्यम से जैसे संस्था बताए वैसे वैसे करना है। आपको डेली दिन प्रतिदिन के नोट्स बनाने हैं, संस्था कभी भी आपके नोट्स चेक कर सकती है। अभी हमने सिस्टम क्रिएट किया है, आज़ाद इस एकेडमी का एप्लीकेशन बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, आपको हम लॉन्च कर देंगे इसी फरवरी के लास्ट में, तो वहाँ पर आप लोगों को जोड़ दिया जाएगा और उस एप्लीकेशन के माध्यम से आपकी अटेंडेंस भी होंगी ऑनलाइन बैच वालों की, आप पे लगातार निगरानी रखी जाएगी ताकि आपको पता चल सके और समय के साथ ही संस्था आपसे कॉन्टैक्ट कर सकेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के दौरान यदि कोई डाउट आता है तो एक डाउट बुक रखिए, आप ऑफलाइन सेंटर आ सकते हैं। आज़ाद इस एकेडमी का ऑफलाइन सेंटर गाज़ियाबाद में है और गाज़ियाबाद में ऑफलाइन बैच भी प्रारंभ होने वाला है। ऑफलाइन बैच आपका 5 मार्च से प्रारंभ होगा, आज़ाद इस एकेडमी का ऑफलाइन बैच 5 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा, तो आप लोगों का स्वागत रहेगा। जो लोग ऑफलाइन आकर के हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन आ सकते हैं, ऑफलाइन आइए, बढ़िया आराम से यहाँ रहिए और रहने के बाद बढ़िया आराम से सुबह शाम तक पढ़िए। सुबह शाम तक की क्लासेज होती हैं, 3 सेशन होते हैं और अच्छी खासी मेहनत आपकी करवाई जाती है ना। तो बहुत ही बेहतरीन सिस्टमेटिक यदि आप तैयारी करने की सोच रहे हैं, ये संस्था आपकी है और सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है, आइए, आपका स्वागत है, इस संस्था के सहभागी बनिए, खूब मेहनत कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक दोनों लोग मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दोनों की मेहनत ज़रूरी है और बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सिंसियर और बहुत ही अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। ये संस्था को कभी कभी फ़ख्र होता है इस बात को लेकर के। आप लोग अपना फीडबैक देते रहिए और आज़ाद इस एकेडमी के ऑनलाइन बैच से जल्द से जल्द जुड़िए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन बैचेस में, इंतज़ार है आपको, मैं मिलूंगा आज़ाद इस एकेडमी के बैच नंबर 42, 43 और 44 में। जब आप जुड़ जाएंगे वहाँ पर हमारी एक प्रॉपर मुलाकात होगी और मिलने के बाद आपको कैसे तैयारी शुरू करनी है वो सब मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, शुक्रिया।